भाला कितना दूर जाएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है। इसी कारण जब हम भाला फेंकते हैं, भाला इतना बड़ा होता है कि उसको 45 पे फेंकने के लिए गटैया टूट जाएगा। अब आपके हाथ में सबसे बड़ा चीज है। अब ध्यान से समझो, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यानी कोई चीज कितना दूर जाएगा ये आप उसके दिए गए प्रारंभिक वेग पर डिपेंड करेगा। जितना तेज फेंकेंगे उतना दूर जाएगा। तो u क्या है? प्रारंभिक वेग है। अब यहां प्रारंभिक अंतिम वेग से कोई मतलब नहीं, u क्या है? वेग है। u क्या है? वेग है। तो भाला कितना दूर जाएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना वेग से क्या किए हैं, फेंके हैं। जी आप तो डिसाइड कर नहीं सकते, 9.8 होता है, 10 आप मान के चलिए गए यहाँ पे, तो इसमें तो आपका कोई योगदान नहीं है। अब बात करते हैं थीटा। अब आपके हाथ में सबसे बड़ा चीज है थीटा, एंगल। किस एंगल पे फेंकेंगे, किस एंगल पर फेंकेंगे, समझ गया? जैसे मान के चलिए हम 100 की स्पीड में फेंके, तो हमारे लिए यू का मान कितना हो गया? 100। क्या हो गया? 100। अजी का मान कितना हो गया? 10। इसके बावजूद रेंज में क्या अंतर आएगा? 100 के ही स्पीड से फेंकेंगे, एंगल बदलेंगे ना तो दूरी बदल जाएगा, एंगल बदलेंगे तो दूरी बदल जाएगा। आप 100 के स्पीड से फेंकिए, लेकिन नीचवा करके फेंकिए, ऐसे ये जाके गिर जाएगा। लेकिन 100 के स्पीड से थोड़ा ऐसे फेंकिए, यहां जाएगा, तो और ऊपर करके फेंकिए, यहां जाएगा। एक काम कीजिए, 90 डिग्री पे फेंकिए, ऊपर गिर जाएगा। यानी आप जो पहले बेग उसे दिए हैं, इससे ज्यादा डिपेंड कर रहा है कि आप उसे किस एंगल पे फेंके हैं। अब एंगल के साथ कॉस थीटा है या साइन थीटा? क्या है? एंगल के साथ साइन थीटा है, एंगल के साथ क्या है? साइन थीटा दिया हुआ। अब आप बताइए, साइन थीटा का और कॉस थीटा दोनों में एक चीज है कि दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, कितने डिग्री एंगल पे? 90 डिग्री एंगल। साइन 90 का वैल्यू, यानी हमें ऐसा काम करना है कि इसके जगह पे 1 हो जाए, इसके जगह क्या हो जाए? 1। इसके जगह तभी 1 हो सकता है जब साइन 90 हो, साइन 90 हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप 90 लिखिएगा ना, तो इसमें 2 का गुणा है, 180 कर देगा, क्या कर देगा? 180। तो हम वहां क्या लिखे कि 90 हो जाए? क्या लिखे? 45। तो अगर हम थीटा बराबर क्या लिख देते हैं? 45। थीटा बराबर 45, तो 45 दुनी अब हो गया 90, 45 दुनी 90, अब क्या हो गया? 90। कोई दिक्कत? अब 90 हो गया। अब साइन थीटा मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया तो हो गया। अब जितना वेग से भेजे थे उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, अब ये नीचे क्या करना है? भाग दे देना है, जी के मान से भाग देना। इसी कारण जब हम भाला फेंकते हैं या किसी चीज को मैक्सिमम दूरी तक भेजना है, रेंज को अगर क्या करना है? मैक्सिमम करना है, रेंज को मैक्सिमम करना। ऐसे फेंकने के लिए आप कितना दूर भी फेंक सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना डिग्री होना चाहिए? मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 डिग्री पे। भाला वाला कभी 45 पे नहीं फेंकता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रीजन समझना, 45 डिग्री आइडियल होता है फेंकने के लिए, अच्छा माना जाता है। अगर आप कोई छोटा चीज फेंकना चाहते हैं जिसे आप इजीली पकड़ सकते हैं, तब आप उसे 45 पे फेंकिए। भाला इतना बड़ा होता है कि उसको 45 पे फेंकने के लिए गटैया टूट जाएगा, समझ में आ गया? एंगल भी तो संभालना है। तो भाला बड़ा होने के कारण वो 45 पर फेंक ही नहीं पाते हैं, वो 42-43 जाते जाते क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। भाला वाला कोशिश कितना पे करता है? 45, लेकिन फेंक पाता है? उसके दो रीजन, अगर 45 करिएगा तो एंगल उठाना पड़ेगा, ज्यादा उठाएगा तो पिछवा से लड़ जाएगा। भाला बड़ा होता है ना, ज्यादा एंगल उठाने के चक्कर पिछवा से लड़ जाएगा। और दूसरा, उसको गर्दनों 45 उठाना पड़ेगा, ये ऐसे तो थोड़ा सा उसको दिक्कत होगा यहाँ पे। तो कोशिश करता है 45 उठाने का, लेकिन ढेला चलाइएगा तो मैक्सिमम दूर जाएगा, ढेला चलाना है तो 45। बचपन में आप लोग ईंटा फेंके होंगे कि देखते हैं किसका कितना दूर जाता है, कितने डिग्री पे? 45। ए तुम लोग ढेला फेंकेगी लगे यहाँ पे, ढेला फेंकेगी सही से, और यही ना ढेला फेंकेगी, फेंका जाएगी, अपने ढेला फेंकेंगे आप।